कैसा लगा, कैसा लगा आपको? बढ़िया था ना, फर्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत बढ़िया था। नो कमेंट्स यार, बहुत ज्यादा है ना। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आस्तिक, स्वागत है आप सभी का फिर से नए ब्लॉग में। और अपन रेडी हो चुके हैं, निकल रहे हैं अपने कॉलेज के लिए। आज मैंने ब्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट किया है क्योंकि मैं आप लोगों को बुरे नहीं करना चाहता। तो आज जो है, जो वैशाली है ना, अगर आप लोग जानते हो तो उसका प्ले है, फर्स्ट प्ले वो डायरेक्ट कर रही है। वेरी नाइस। What do you make? Because of Asti Khaya. No. No. Hello guys. Hello guys. Bye bye. Aur ye maine dikhai thi. Aaj koi bhi dekh nahi pa raha hai. इसलिए मैं गलत कह रहा हूँ क्या, बताओ कमेंट में आप लोग बताइए मैं गलत कह रहा हूँ क्या। वो कहाँ है, किसी का पता नहीं, कुछ भी कोई आई नहीं रहा आज, किसी का कॉल आया कहाँ पता नहीं। सारे मैं कर रहा हूँ वेट अभी जो है वैशाली के प्ले का। उसने मुझे बुलाया है, एकदम से एक काम सौंप दिया उसने म्यूज़िक का। मैंने आज तक कभी जो है प्ले थिएटर में कभी आज तक म्यूज़िक नहीं दिया है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है। और पता नहीं मुझे क्या ही करना होगा वहाँ पे जाके। अभी तक जो है मैडम का कॉल नहीं आया, बोला उसने कि कॉल करूँगी तब निकलना है यहाँ से। तो देखते हैं तब तक क्या क्या कॉल आता है, क्या होता है। अरे भाई, अपन आ चुके हैं सेट पे। ये देखो कौन आ गया है। तो ये जो है रेडी हो चुकी है हमारी स्टेज। नमस्कार, आज हमारा कैमरा, आज की सांस्कृतिक संध्या में आप सभी लोगों का हम मनोरमा थिएटर एंड आर्ट्स की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर। राजकुमार खोजाइन गंभा सिंह जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनसे मैं एक बार सादर उनको आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और आकर दीप प्रज्वलन कर हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। सर गिरते हैं साए घनेरे से, रूखे बादल से, मेरे पिशाचों से आपे है जीवन नाचों से। जिस रात गगन से उनकी बारिश आई, आंटी बता रहा सबको किसने मारा। अरे साहब ये बताने में घबरा रहा है, ये बता रहा था ये काम किसी पुलिस वाले का है। और एक नहीं गुरु, दो थे। नामुमकिन है सर, पुलिस वालों से मजाक करने का अंजाम क्या हो सकता है, तुम्हारे बापू ने बताया नहीं है तुम्हें अभी तक। अरे नहीं साहब, बल्कि आपने ही बताया था, और हम तो उस समय ही शर्त लगाने भिड़ गए थे, कैसे कोई याद रखता था ये नहीं। अच्छा बस अब बहुत हुआ था राना, अगर एक इंच नीचे कर दोगी तो हो ही क्या जाएगा, मैं अपना काम कर ऐसा भी क्या हो जाएगा। ऐसे एक इंच नीचे करने में बहुत कुछ हो जाएगा और खुद
जान पहचान हो जिन आसान हो दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ नाम तो बताओ जान पहचान हो बेहतर से बेहतर चीज दिखा सके जिसमें हमारे सभी कलाकारों का पूरा पूरा सहयोग रहा। सबने इस पूरे नाटक को खड़ा करने में बहुत मेहनत की और बहुत सहायता की। सारा डायरेक्शन मैंने अकेले ने नहीं मेरे सभी कलाकारों ने मिलकर संभाला है। जो दृश्य उन्होंने कुछ दृश्य ऐसे हैं जो उन्होंने खुद क्रिएट किए हैं। मैं सभी कलाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी। सभी कलाकार मंच पर आ जाएं। और मैं केशव सिंह जी से भी अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आ जाएं। और हमारे दादा एक्चुअली हमें जो है कैमरामैन हमको आज कैमरामैन बना दिया गया। ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, रुक जा, ये पकड़ ये बस 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 चलो 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 ये जो मैंने ये प्रोफेशनल ग्रीन झाड़ी है वाह 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 क्या बात है। कम से कम मेहनत चलो साल तक हो गई 2 महीने कैसी भी हुई। और यहाँ सब मिल रहे हैं एक दूसरे से। कैसा लगा आपको? बढ़िया था ना? फर्स्ट टाइम के साथ बहुत बढ़िया था। नो कमेंट्स यार, बहुत है ना। अभी कॉल द लाइट। अच्छा था, सही में नहीं मजाक नहीं कर रहा, सच में अच्छा था। ए निकलो तो यहाँ से, जाओ जाओ जाओ, चलो ये चलते हैं। मजा आया, प्ले हुआ है ना, अच्छा था। सही में क्या चला गया? अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पे, ये मुझे छोड़ने जा रहा है। आ चुके हैं रूम पे और मैं लेके आया हूँ मैगी। बहुत तेज भूख लगी है, हिम्मत नहीं है कि मैं कुछ अच्छा मतलब बना सकूँ अपने लिए, क्योंकि लेट हो चुका काफ़ी। तो मैं मैगी बनाऊँगा सादा और मैं खा के सो जाऊँगा। और आज आप लोगों ने देखा कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अगर जो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो इसमें से तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बस मिलते हैं आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए पीस आउट।